हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप देख रहे हैं मेरी प्लेट में कॉलीफ्लावर। तो कुछ उसी की रेसिपी बनने वाली है और इसको मैं बनाने वाली हूँ ओवन में बेक करके। यहाँ मैंने फुल एक पूरी गोभी की गांठ ले ली थी, उसको मैंने इस तरीके से आप देख सकते हैं, किसी में थोड़ी बहुत डंडी है, किसी में नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको कट कर ले थोड़ा मीडियम साइज़ का, और धो के इसको 10 मिनट छोड़ दें ताकि इसका पानी थोड़ा सूख जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इसको हम पहले डालेंगे एक बड़े मिक्सिंग बाउल में। मिक्स करने में आसानी हो, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पे मिक्सिंग बाउल यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें हम कॉलीफ्लावर और हमारे गार्लिक जो है ग्रेट किए हुए, उसको ले लेंगे। थोड़ा सा इस पर मैं स्प्रिंकल करूँगी, 1/8 टीस्पून या फिर उससे थोड़ा सा कम, काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा यहाँ चुटकी भर हम डालेंगे हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स। आप यहाँ पे चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा डालने वाली हूँ मिक्स ऑरिगेनो। ये अगर नहीं है आपके पास तो ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये मिक्स ऑर्गेनो ना डालें, पर चिली फ्लेक्स है उसके बदले आप रेड चिली पाउडर मिला सकते हैं। इसमें अब हम मिलाएंगे खाने वाला जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड स्पून है, उससे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसका फ्लेवर थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं इसमें मिलाने वाली हूँ शेजवान चटनी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लहसुन और टमाटर, जो हमने लहसुन इसमें पहले ग्रेट करके मिलाया है, वो आप लहसुन टमाटर के साथ आधा टमाटर या एक टमाटर छोटे साइज़ का ले सकते हैं, उसको मिक्सी में पीस लें और तब इसमें मिलाएं। और अब इन सबको हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं ये प्रिपेयर कर रही थी, मैंने ओवन 200 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट होने के लिए रखा था। यहाँ पे हमारा ओवन भी प्रीहीट हो गया है और कॉलीफ्लावर जो है वो भी हमारे मिक्स हो गए हैं। इसको अब मैं डालूँगी हमारे बेकिंग ट्रे में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे में लगाया है पार्चमेंट पेपर, इससे हमारा ट्रे जो है वो ख़राब नहीं होता है, वरना धोते टाइम रगड़ने से स्क्रैच आ जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पेपर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं होता है तो आप इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें। अब ये जो हमारे कॉलीफ्लावर है इसको मैं इसमें डाल दूंगी। इसको इस तरीके से फैला लें हर तरफ। और जो भी इसमें थोड़ा बहुत मसाला बचा है उसको भी इसी पे ही डाल दें। और अब इसको मैं सेम 200 डिग्री के टेम्परेचर पे बेक होने के लिए रखूँगी 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बेक हुआ है और इसने कितना टाइम लिया है बेक होने में। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए, यह हमारी कॉलीफ्लावर बेक हो चुकी है अच्छे से, क्रिस्पी भी हो गई है और इसको 20 मिनट नहीं लगे हैं बेक होने में, इसको 40 मिनट लगे हैं। इसने बेक होने में ज़्यादा टाइम लिया है। हो सकता है कि गर्मियों के सीज़न की कॉलीफ्लावर है तो वो बेक होते होते थोड़ा सूख जाती है, पर अगर आप थोड़ा सा अगर जल्दी बेक करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट कॉलीफ्लावर को गर्म पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लें और उसके बाद उसको निकाल के फिर बेक होने के लिए रखें, तो वो बहुत जल्दी भी बेक होगी और अच्छे से भी होगी। फिलहाल इस रेसिपी को भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही ये स्पाइसी है और थोड़ी सी क्रिस्पी। चाहे तो एज ए स्नैक इसको खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।